बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास एक डेटा दे रखा है, इसका हमें क्या चाहिए, एक तो वेरिएंस चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए और दूसरा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। वेरिएंस निकल गया तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब इसमें हम लोग सॉरी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, कौन सा, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर 1/n समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एफ आई यू आई इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। अब इसी को देख के टेबल बनाएंगे, कुछ नहीं है, यू आई को, यू आई क्या है हमारा, कुछ नहीं, एक स्टेप और है, डी आई माइनस डी आई अपॉन एच है, और डी आई क्या हमारा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पे ए हमारा क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स आई, और एच क्या हमारा, कोई भी ले लो कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसी को देख के ना, इस फॉर्मूले को देख के हम लोग टेबल बनाएंगे, कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स आई का टेबल बनाना होगा। सबसे पहला काम तो एक्स आई एफ आई का टेबल बना लो, ये बना लिया एक्स आई का टेबल, टेबल नहीं कॉलम, ये एफ आई का बना लिया। उसके बाद हमें यू आई चाहिए, तो यू आई से पहले डी आई बनाना होगा, तो डी आई बना लिया, बिकॉज डी आई को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आई आ जाएगा, तो ये डी आई हो गया। फिर ये वाला बना लिया यू आई का, फिर हमें ये बन गया एक्स आई, ये बन गया एफ आई, ये बन गया डी आई, ये बन गया हमारा यू आई। थोड़ा इसको बड़ा बना देना, इसमें सही रहेगा, ये हो गया यू एक्स आई डी आई, थोड़ा सा इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यू आई को भी, यू आई हो गया, अब ये हो गया हमारा एक्स आई, ये हो गया हमारा एक्स आई, ये हो गया हमारा एफ आई, ये हो गया हमारा डी आई एक्स आई माइनस ए, और ये हो गया हमारा यू आई। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, डी आई अपॉन एच। उसके बाद फिर क्या है, हमें एक एफ आई यू आई बनाना होगा, तो एफ आई यू आई मिल गया, तो ये एफ आई यू आई का बन गया टेबल। फिर एक हमें एफ आई यू आई का होल स्क्वायर बनाना होगा, एक हमें ऐसे ही देख के बनाते हैं टेबल, ये हमारा बन गया एफ आई यू आई, और एक हमें क्या चाहिए, यू आई का होल स्क्वायर भी एक बना लेते हैं, यू आई का होल स्क्वायर, यू आई का होल स्क्वायर बनाएंगे तभी तो एफ आई इंटू यू आई का होल स्क्वायर है, एफ आई यू आई स्क्वायर निकालेंगे, तो एक तो हमें यू आई स्क्वायर भी बनाना होगा, तो यू आई स्क्वायर, और एक बन गया लास्ट में एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। बस इससे काम चल जाएगा। दो तीन चार पाँच छः सात, ये हो गया एक, ये दूसरा, ये तीसरा, फोर, फाइव, सिक्स,
सेवन इससे काम चल जाएगा हमारा। 4.5, 4.5 है, उसके बाद है 14.5, उसके बाद है 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और ये है 64.5। क्रॉस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 1, 5, 12, 22, 17, 9, 4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें से एक लेना है हमें, कोई एक ए, ए कौन सा लेंगे, ए ये ले लिया, तुम कोई भी ले लो ए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये हमने ए ले लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, ए, कैपिटल ए, इसको एक कोई भी ले सकते हो, एक्स आई में से कोई भी एक ले लो, वो ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब डी आई निकालना है, इसका मतलब हमें एक्स आई माइनस 34.5 इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, 4.5 माइनस 34.5, ये क्या मिल जाएगा, 4.5 माइनस 30, ये मिल जाएगा हमें माइनस 30, ठीक है। फिर 14.5 माइनस 34.5, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस 20। फिर 24.5 माइनस 34.5, इसकी वैल्यू हमें मिल गई माइनस 10। फिर यहाँ पे 34.5 माइनस 34.5, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0। फिर 44.5 माइनस 34.5, 44.5 माइनस 34.5 ये मिल गया हमें 10। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 54.5 माइनस 34.5, ये मिल गया 20। फिर 64.5 माइनस 34.5, ये हमें मिल गया 30, ऐसे मिल गया। अब ये डी आई मिल गया, डी आई क्या हो गया हमारा, ये सब डी आई हो गया, ये जो है ना हमारा, ये डी आई हो गया, ये जो है ये डी आई हो गया। अब डी आई को एच से हमें डिवाइड करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि एच का वैल्यू क्या ले, यहाँ पे देखो, अब एच मैंने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर, तो ये जो तुम्हें डी आई दिख रहा है ना, माइनस 30, 20, 10, 0, 10, इसमें कॉमन फैक्टर 10 नहीं दिख रहा है। तुम ऐसे एच का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आंसर सही आएगा, तुम एच का वैल्यू 100 ले लो, 99 ले लो, कुछ भी ले लो, करेक्ट आएगा। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर एच, तो एच का वैल्यू हमने ले लिया 10। अब इसको डिवाइड कर दिया, ये तो हमारा डी आई है ना, डी आई को ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। अभी हमारा यू आई आ गया, अब हमें करना क्या है, एफ आई यू आई मीन्स ये एफ आई, ये हमारा एफ आई, ये आ गया हमारा एफ आई हो गया, और ये हमारा यू आई, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखना है, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एफ आई यू आई को, ये क्या होगा, माइनस 3, माइनस 10, माइनस 12, 0, 17, 18 और 12। फिर यू आई का होल स्क्वायर, ये है ना यू आई, यू आई का होल स्क्वायर होगा 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। फिर एफ आई यू आई, ये जो हमें दिख रहा है, ये एफ, ये यू, क्या यू आई का होल स्क्वायर है ये, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से एफ आई से, इससे मल्टीप्लाई करना है तभी जाके मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9, ये 20, 12, 0, 17, 36 और ये 36, ठीक है।
सबसे पहले तो सिग्मा एफ आई निकाले, सिग्मा एफ आई जिसको हम एन बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो करके देख लेना, ये आ जाएगा तुम्हें 70। फिर हमें किसका चाहिए वैल्यू, एक तो सिग्मा एन का वैल्यू, एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, ये चाहिए एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, इसको करोगे तो आ जाएगा ये 130। फिर हमें किसका चाहिए, एफ आई यू आई का वैल्यू चाहिए, एफ आई यू आई यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 22। बस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। एच का वैल्यू हमने क्या लिया, 10 मिल गया, सिग्मा एफ आई यू आई हमें क्या मिल गया, 22। उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 130। एंड बस हो गया, इससे काम चल जाएगा, एंड करने की क्या जरूरत है। तो वेरिएंस एक्स क्या मिल जाएगा हमें, वेरिएंस एक्स है हमारा एच स्क्वायर 1/n सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। एच का वैल्यू है 10, तो 10 स्क्वायर डाला, ये 1/n का क्या है, 1/70, और ये क्या हमारा एफ आई यू आई, इसका होल स्क्वायर 130 माइनस 1/70, एफ आई यू आई क्या है हमारा, एफ आई यू आई है 20 × 22 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 100, और यहाँ पे क्या आ गया, 130/70 माइनस 22/70 का होल स्क्वायर, इसको कर लेना कैलकुलेट तो आ जाएगा ये 100 × 1.857। कैलकुलेटर होगा ही तुम्हारे पास, अब मैंने कई बार बोला कि इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, तो ये हो जाएगा 175.822। ये हमारा क्या मिला, ये आंसर नहीं मिला, ये तो वेरिएंस मिला, हमें तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर वेरिएंस एक्स 175.822, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.259, ये आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चारों फॉर्मूले पे मैंने चार क्वेश्चन कर दिए, चार क्वेश्चन कर दिए ना चारों फॉर्मूले पे, एक लास्ट और क्वेश्चन करता हूँ। बच्चों क्या बोला है, देर आर 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, क्लास में 60 स्टूडेंट है, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, ये सब तो कहानी है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये देखो हमारे पास एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया, और क्या पूछ रहा है, एक्स एक चीज का ध्यान में रखना, एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, बस हमें यही देखना है, ये सब कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बोला कि अब मैक्सिमम टाइम कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, फॉर्मूला नंबर 2 मैक्सिमम टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला जो है ना, ये फॉर्मूला यूज़ होगा मैक्सिमम टाइम, ध्यान में रखना इस बात को। तो ठीक है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या करना होगा, पहले वेरियंस निकालना होगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स में कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं यूज़ करने जा रहा हूँ 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए टेबल बनाना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले मार्क्स, ये तो छोटे में हो जाएगा, ये मार्क्स का मतलब एक्स आई का बना लिया, उसके बाद एफ आई का बना लिया,
उसके बाद एफ आई एक्स आई बना लिया, उसके बाद एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर बना लिया। ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई, हमें क्या चाहिए, दो ही चीज चाहिए। चलो एक और बना लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ, एक एफ आई का होल स्क्वायर भी बना लेते हैं। कितना हमारे पास, सिक्स, 1 8 2 3 4, ये 5 और ये 6। ये बना लिया एक्स आई, ये एफ आई, ठीक है, ये एक्स आई एफ आई, ये एफ आई स्क्वायर, सॉरी एफ आई स्क्वायर, हाँ एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर, और ये क्या होगा, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ये बना लिया। अच्छा यहाँ पे एक्स एक्स में, अच्छा 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5। अच्छा इसकी जो फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस टू एक्स में है ना, एक्स माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस टू एक्स, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, 2x, x प्लस वन, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, देर आर 60 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, और 60 स्टूडेंट दे रखा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि अब तुम ऐसे देखो, अगर क्लास में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना 60 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब 60 क्या है हमारा, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी है, ये 60 क्या है हमारा, सारे फ्रीक्वेंसी का सम है। तो अगर मैं इन सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करूं, ये सब फ्रीक्वेंसी को, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, इन सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, 60 के इक्वल आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया एक्स माइनस टू, अच्छा ये क्या हो गया हमारा, एक्स 2x 4x 5x, 5x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू प्लस वन, माइनस वन इधर जाके हो गया 61, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू 61। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस ये 61 हो जाएगा ना, यहाँ 61, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये 61 हो जाएगा ना, तो माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 120 क्या बनेगा फैक्टर, 2 6 0 2 30 15 3 5 5 1, क्या बनेगा, 7 चाहिए, 15 8 8 7 15 बन गया,
ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस प्लस 15x माइनस 8x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 15 माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4 और 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें या तो x का वैल्यू 4 मिला और x का वैल्यू क्या मिला, माइनस 15/2, ये दो x का वैल्यू मिल गया। बट हमें पता है कि अगर मैंने x का वैल्यू निगेटिव ले लिया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा निगेटिव में, जो कि होता नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो वो तो निगेटिव होता नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, x शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस 15/2 एज फ्रीक्वेंसी कैन नॉट लेस देन 0, तो x इज इक्वल्स टू 4। अब ये हमें x का जो वैल्यू 4 मिला, अब इसको डाल देते हैं टेबल में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 माइनस, यहाँ पे x की जगह 4 डालेंगे तो 2 आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 16, 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 25, ये हो गया 8, ये हो गया 5, बस हो गया। अब कहानी बन गया, एक्स आई एफ आई निकालना है हमें, तो एक्स आई एफ आई हमारा क्या हो गया, 0 4 32 75 32 25, एक्स आई का स्क्वायर 0 1 4 9 16 25। अब हमें क्या करना है, ये एक्स आई का ये जो स्क्वायर है ये, और ये एफ आई, ये जो आ रहा है एफ आई, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 4 64 225 128 125। अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर आ जाएगा ये 546। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा, बस यही दो चाहिए हमें, अच्छा सिग्मा एफ आई भी चाहिए, सिग्मा एफ आई क्या हो गया हमारा 60। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये एन के इक्वल है, ये तीन वैल्यू मिल गया हमें, एक तो सिग्मा ये मिल गया, इसी से काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लिखते हैं, एन हमें क्या मिला, 60 मिला, जो कि इक्वल होता है सिग्मा एफ आई के। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या मिला हमें, 168 मिला, और सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर क्या मिला हमें, 546 मिला, ठीक है। अब वेरिएंस निकालना है, निकालना तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए पहले तो वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस क्या होगा, 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका होल स्क्वायर। तो 1/n क्या मिल रहा हमें, 1/60 सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर 546 माइनस 1/60 एफ आई एक्स आई 168 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 9.1 माइनस 7.84, ये हो जाएगा 1.26। ये हमारा क्या मिल गया, वेरिएंस, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, आंसर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होगा, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स 1.26, ये आ जाएगा 1.122, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी हमारा स्टैट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दो तीन वीडियो लेक्चर, कम से कम तीन चार वीडियो लेक्चर और बनेंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये जो टॉपिक लेके हम लोग चले थे ना बीच में, बिल्कुल एंड में, कौन सा टॉपिक लेके चले थे, यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था वेरियंस, ये वेरिएंस स्टार्ट किया था, तो तीन मेथड बताया था ना, फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला हमारा कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया,
ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बचा है, थर्ड वाला बचा ये कंटिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ज़्यादा नहीं, कंटिन्यूस में कुछ नहीं है, डिस्क्रीट में क्या करना है, कंटिन्यूस में क्या करोगे, क्या होगा, ग्रुप में होगा। ग्रुप में, ग्रुप को तुम किस में चेंज कर दोगे, एक्स आई में चेंज कर दोगे। तो एक्स आई में कैसे चेंज करोगे, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू, तो वो एक्स आई में चेंज हो गया। बस एक बार एक्स आई में चेंज हो गया तो सेकेंड वाला पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया। थर्ड में क्या हमारा कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो कुछ भी नहीं है सारे, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं मिलेगा, सेम ही फॉर्मूला मिलेगा। बस हमें करना क्या है कि ग्रुप को एक्स आई में चेंज कर देना, एक लाइन में एक्स आई में चेंज हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू, फिर हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड टाइप में ये जो टाइप दिख रहा है ना सेकेंड, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसमें कन्वर्ट हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे अभी हमने सेकेंड टाइप कैलकुलेट किया वैसे निकाल लेंगे। ओके।